सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक वूड। तो मैं निवान अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो है टेक वूड टेक्निक नंबर 46। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे टिक कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज रात को 8 बजे आप लोगों तक टेक न्यूज पहुंच सके। तो सबसे पहली खबर है शाओमी के बारे में। तो जैसा फ्लिपकार्ट ने अपना बिग बिलियन डेज और अमेजोन ने अपना द ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल और जो ये है रियलमी उन्होंने अपना फेस्टिव डेज सेल को अनाउंस किया हुआ है, वैसे ही शाओमी ने भी अपना जो दिवाली विद मी यानी दिवाली विद एमआई सेल जो है इसको अनाउंस कर दिया है। और जो ये स्टार्ट होगा ये भी स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से ही। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे डील्स एंड ऑफर इस दिवाली विद मी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे शाओमी के प्रोडक्ट्स पर। इनके सभी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी अच्छी खासी छूट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगली खबर है पोको की ओर से। तो पोको ने भी अनाउंस किया हुआ है कि फ्लिपकार्ट पे जो सेल होने वाला है द बिग बिलियन डे सेल, इसमें उनके स्मार्टफोन यानी पोको के स्मार्टफोन जैसे पोको M2 और पोको M2 Pro और पोको X2 इन सभी स्मार्टफोन्स पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि M2 और M2 Pro में आप लोगों को 500 से 1000 तक की छूट देखने को मिल जाएगी और वहीं पोको X2 में 2 से 3000 तक की आपको छूट देखने को मिल जाएगी। अगली खबर है Realme के Q2 सीरीज से रिलेटेड। तो ये चाइना में लॉन्च होने वाला था, इसके कुछ लीक्स आए हुए थे और अब तो टीजर ही टीज हो गया है। ये जो Realme के जो चाइना हेड हैं उन्होंने इसको टीज किया हुआ है Realme की Q2 सीरीज को और ये चाइना में 13 तारीख को लॉन्च होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक स्पेशल इवेंट में ये 13 तारीख को चाइना में लॉन्च हो जाएगा और ये Q2 जो है उसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और जो Q2 Pro होने वाला है उसमें आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब ये केवल चाइना स्पेसिफिक है, ये केवल चाइना के में ही आएगा, अब ये इंडिया में तो नहीं आएगा। बट देखने वाली बात है, क्या पता इसको रीब्रांड करके किसी और नाम से इंडिया में भी ले आए। तो अगली खबर है ओप्पो से रिलेटेड, ओप्पो के रेनो 3 प्रो से रिलेटेड। तो इसकी प्राइस कट जो हो गई है अब आपको देखने को मिलता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज जो है वो आपको देखने को मिलता है 25,990 रुपये यानी 26,000 रुपये। और जो इनका 8GB रैम और 256GB स्टोरेज का वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 29,990 रुपये यानी 30,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाता है। अगली खबर फिर से Xiaomi की ओर से। तो Xiaomi का Redmi Note 10 ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा इसी महीने, ऐसे रूमर्स ऐसे लीक्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा 108 MP क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। अब ये इंडिया में उसके कितने दिन बाद आता है ये नहीं पता, बट बताया जा रहा है कि यही अक्टूबर एंड तक ये Redmi Note 10 चाइना में लॉन्च हो जाएगी। तो हो सकता है कि दिवाली से पहले पहले ये इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाए। अगली खबर है OnePlus के बारे में। तो OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 इन दोनों स्मार्टफोन में स्टार्ट हो गया है Android 10 जो ऑक्सीजन OS 11 के ऊपर आता है, इनका अपडेट आना शुरू हो गया है। और कंपनी ने बताया हुआ है कि इसके लिए आपको आपके जो फ़ोन स्टोरेज में आपको 3GB तक की स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी इसके लिए इंस्टॉलिंग के लिए। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होने वाली है वो 2.5 से 3GB होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने रखा हुआ है OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro तो आप लोग जाइए और देखिए अपडेट सेक्शन में क्या आप लोगों में ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट आया है जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर काम करता है। तो जाके अपडेट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स एंड्रॉयड 10 के आपको देखने को मिल जाएंगे, सॉरी एंड्रॉयड 11 के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगली खबर है टेक्नो के बारे में। तो टेक्नो का कैमोन 16 इन्होंने स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है 64 MP के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ और इसमें आपको देखने को मिलती है हीलियो का G70 प्रोसेसर। तो ओवरऑल जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन आया हुआ है टेक्नो की तरफ से और इसकी जो प्राइस आई हुई है वो आई हुई है 10,999 रुपये यानी 11,000 रुपये जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए। तो अगली खबर है OnePlus के बारे में ही। तो OnePlus का Nord N10 5G और OnePlus Nord N100
ये दोनों स्मार्टफोन बताए जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं कि ये 26 अक्टूबर को लॉन्च कर दिए जाएंगे। ये पहले यूएस में लॉन्च होगा ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहले यूएस में लॉन्च होगा 26 अक्टूबर को, फिर उसके बाद आप लोगों को इधर कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगली खबर है मोटरोला से रिलेटेड। तो मोटरोला ने अपना स्मार्ट एसी, रेफ्रिजरेटर स्मार्ट और स्मार्ट वॉशिंग मशीन, इन तीनों को ही लॉन्च कर दिया है और ये तीनों ही अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। सब में स्मार्ट यानी वाईफाई बिल्ट इन है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे डील्स आपको फ्लिपकार्ट पे मोटरोला की ओर से भी देखने को मिल जा रहे हैं। जो एसी इनका स्टार्ट होता है, मोटरोला का एसी, इसकी स्टार्ट प्राइस आई हुई है 32,999 रुपये, यानी 33,000 रुपये से स्टार्ट है इनका जो 110 का मोटरोला का स्मार्ट एसी है। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है रेफ्रिजरेटर। तो मोटरोला का स्मार्ट रेफ्रिजरेटर की स्टार्टिंग प्राइस है 51,990 रुपये, यानी 52,000 रुपये। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है स्मार्ट वॉशिंग मशीन, तो इसकी प्राइस आई स्टार्ट होती है 28,999 रुपये, यानी 29,000 रुपये। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांडेड सामान ला रहा है मोटरोला और अच्छे अच्छे कीमत पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आप लोगों को टेक न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया, साथ साथ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को जितना आपसे हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।